कैबिनेट समिति की आज पटना में बैठक हुई। इस बैठक का उद्घाटन करते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के समय विपक्ष ने जनता के समक्ष भाजपा के बारे में गलत धारणा पेश की है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार किसी गठबंधन की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है। उन्होंने जल्द ही सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का ऐलान किया। इस बैठक में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव के शासनकाल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। सभी लोगों से आग्रह है, एक चीज समझ लीजिए, बिहार में कोई अपराध करने वाला बचेगा नहीं। 24 घंटे में रिजल्ट डालता है और सब मामले मैं एक एक का हिसाब दूंगा। कल समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आपको एकदम स्पष्ट करता हूं, एक एक घटना। हम लोग बिहार ऐसी पुलिस है जो 20 मिनट में कोई घटना के बाद पहुंच जाती है, और यहां डिजिटल हो चुका सारा काम। हमारे पुलिस की कार्रवाई लगातार डिजिटल काम पर चल रही है, और वैसे लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सीएम कार्यालय से लोगों का अपहरण होता था और रैंसम वसूले जाते। 20 जून और एकदम स्पष्ट है, क्यों नहीं बोल रहे हैं?